बेसिक लेवल की मजबूरी हुई थी, मगर फिर भी कहीं कहीं मैंने दो चार दफ़ा मारी है झक, थोड़ी सी मारी, ज़्यादा नहीं मारी। कोशिश ये होती कि सास बहू वाले ड्रामे में ज़्यादा ना करूँ, दो तीन किए हैं मतलब मुझे याद ही है, इतने थोड़े किए हैं। एक तो था रफत आपा की बहू है मतलब ये, और एक था कोई नौलख खां, मतलब बुरा नहीं कहती लेकिन मेरे टाइप में नहीं थे। एक शायद और था कोई दर्दी चले उसमें भी था, जज़ाकअल्लाह। तो दो तीन ही मिसालें जिसमें मैंने शायद कुछ बहुत मज़ा नहीं लिया, बाकी कोशिश ये है कि कोई ना कोई बिल्किस का और बहुत मज़े का प्ले था, बहुत कैरेक्टर मज़े का था। ये गुडारी वाली शीदा का मज़ेदार था, सैमा चौधरी का एक मज़ेदार था। सो मौका मिलता है तो मैं ख्याल कर लेती हूँ कि कोई ऐसा ही काम हो जो मुझे करना चाहिए। मुझे आजकल एक बहुत ज़्यादा इशू छिड़ा है खलील रहमान का, मैं आपने भी उस पर बात की। बहुत सारे लोगों की बहुत सी राय है, सबसे पहली बात तो ये है कोई भी हो उनका तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, फेमस में लगे मैं उनकी डायलॉग की बड़ी मद्दा है, उनकी शायरी की बहुत मद्दा हूँ, क्या कमाल गाना लिखा है, जो हकीकत है वो तो कहनी चाहिए ना। लेकिन अच्छा होता अगर उनकी तरबियत की जाती है, कुछ कम होती तो अच्छा था, कुछ मखसूस लफ्ज़ों की अच्छा होता कि वो तमाम नाजेबा लफ्ज़ या नाजेबा अशिया के नाम ना ले पाते, बेहतर होता और सिर्फ लिखते ही रहते। लिखने वाले लोग तो बहुत खूबसूरत का एक होना चाहिए रवैया, हमारे पास तो लिखने वाले ऐसे लोग हैं, हमारे तो रोल मॉडल्स हैं। मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ, हमारे वालिद के घर में ऐसे लोगों का आना जाना था, इन्होंने इंशा ने मेरा नाम रखा, मुमताज मुफ्ती की गोद में मैं खेली, कुदरतुल्ला शहाब आते थे, ईश्वर आंटी आती थी, बेशुमार मुन्नू भाई हर वक्त आते थे। तो शायद ये उठना बैठना अलग, मेरे अपना बड़े मूवमेंट मशहूर हैं वो भी इनको बहुत पता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि किसी औरत को बैठ के आप बुला दें और किसी औरत को, मैं तो पता क्या कहती हूँ, जो जुमले अदा किए गए, अगर कोई औरत भी किसी आदमी को कहती कि तुम्हारा जिसम तुम्हारे बारे में, वो भी बहुत बुरी बात थी। अगर कोई औरत ही कह देती किसी मर्द को कह देती तो तुम क्या करते हो, क्या तुम करना, जो चीज़ गलत है वो गलत है, उसको गलत कहना ही होगा। जिंदगी के गोल्स क्या हैं सर? बड़े चलो बड़े चलो, एक्चुअली व्हाट कीप्स मी गोइंग इज जो एक क्रिएटिव ड्राइव है अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर करती है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। अभी मेरे सीरियल की शूटिंग ख़त्म हुई है, ये साल मैंने कुछ 6 महीने लिखने में लगाए, फिर मैं किसी एक हॉस्पिटल की चैरिटीज़ करती हूँ, मैं उनके साथ बाहर गई थी, फिर मैं दोबारा जा रही हूँ परसों, उसके बाद आके मैंने ज़ेबाइश की शूटिंग की 2-2.5 महीने। अब मैं फ़िलहाल सीरियल नहीं करूँगी, चाहे मेरे पास ऑफर्स आए या आ रहे हैं, अब मैं कुछ और अपने जो एक दो गाने बनाने मज़े की मस्ती वाले। फिर उसके बाद मैंने कुछ कैनेडा में बेटी है उसके साथ कुछ सोचा है, सो कुछ ना कुछ दिमाग में आता रहता है कि अब नेक्स्ट चेंज होना चाहिए। और हाँ, आपने एक बात की थी वो बीच में निकल के गई हूँ, एक वक्त ऐसा बीच में आया था कि मैं कॉमेडी से बहुत भाग गई थी, और वो रवैये ऐसे थे जो कि शायद अभी कहीं हैं, जो मुझे बड़ा अफसोस हुआ मैंने देखा कि अमानुल्लाह साहब को कब्रिस्तान में दफना नहीं दिया जा रहा था। वो एक मौलवी साहब खड़े हुए थे जो कह रहे थे कि यहाँ वो मीरासी नहीं दफन होगा, मीरासी क्या होता है, जिसकी मीरास होती है, ये आपके हेरिटेज हैं। तो फिर उनको खैर जो हमारे मिनिस्टर हैं लाहौर में जो बहुत बात करते हैं चौहान साहब, उन्होंने शायद वहाँ पर, तो ये जो रवैया है ना ये आपका जहन छोटा दिखाता है। तो एक वक्त ऐसा था मैं जब ये करती थी बिजली और शोशा और इस तरह की 50-50, तो उस वक्त कारमा एक लिखा था जो ने जो अब्दुल कादिर जुनेजी साहब ने, जिसमें रूही बानो काम करने वाली थी, फिर कुछ बावजूद उन्होंने काम नहीं किया, तो बाद में बहुत इसरार किया गया उपाल अंसारी साहब से कि मुझे ले लेंगे, मैं गाती वाती भी थी और थोड़ी सी थरवर की भी लग रही होगी कहीं से बंगाली लग जाती है। तो उन्होंने मेरे सामने ही मेरे शौहर थे हालांकि, लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई ये कमर्शियल काम करती हैं, कॉमेडी करती हैं, ये नहीं। मैं चुप रही क्योंकि एक बीवी की तो बजाय की कोई इज्जत ही नहीं थी आर्टिस्ट की थी,
मेरी कच्ची तो हुई मगर मैं यूँ रही ना, मेरे से मैंने सुना ही नहीं कुछ ना, मैं ऐसे करके बच्चों को नेट धो रही हूँ, कुछ पता नहीं क्या कोई दूध बना दे रही हूँ। तो मगर 3-4 अखबारों से आया भाई आप बुशरा भाभी को क्यों नहीं लेते, भाभी कर सकती है, बुशरा बोलिए बुशरा बोलिए। उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं ये कॉमेडी करती हैं, इनका नहीं है ये काम, वो मैं फला नहीं हूँ। आखिर उन्होंने मान कर बोलिया, बड़ी अच्छी लगी और बड़े बड़ा अच्छा किया उसने। उस वक्त मुझे बुलाया मोहम्मद निसार हुसैन ने एक प्ले के लिए, और मैं रोते रोते गई उनके पास, मैंने कहा मैंने एक सीरियस प्ले करना है। उन्होंने मुझसे बानो मुझसे साहबा का प्ले करवाया रात के, जिसका मैंने जिक्र किया। अच्छा खैर वो तो हुआ, फिर मैंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ले लिया, और बाल अंसारी साहब की जो हीरोइन थी उस मासद की उसको तो मिला नहीं मुझको। उसके बाद मैंने कॉमेडी नहीं करनी, मैंने अपने माइंड में ही सोचा कि नीला साहब की बड़ी लोगों को बहुत प्यार से याद करते, लेकिन मोहम्मद अली साहब की जो तकरीर है ना वो रंगीला साहब की नहीं है। दैट मीन्स कि आप कॉमेडी करने वाले को ज़रा बी ग्रेट रखते हैं, और जो सीरियस एक्टर होता है उसको आप वैल्यू देते हैं, ये हमारा एक जनरल रवैया है। मैंने कहा कि मैं तो कॉमेडी करूँगी नहीं, बस सब बकवास है, मैंने करनी नहीं। जब ये शो टाइम शुरू हुआ तो अनवर साहब और कैसर फारूक हमारे प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा मैंने कहा सॉरी मैं स्किट्स वगैरह मजाइया काम नहीं करूँगा, मुझे इतनी बुरी तरह रिजेक्शन मिली है घर से ही, मुझे करना ही नहीं। खैर उन्होंने कहा चलो हम कंपेयर करते हैं, मैं मोइन अख्तर और अनवर मकसूद साहब थे वो उसके दोस्त थे, अगर आप में से कुछ लोगों को याद होगा। फिर ये सलमान सरद नज़ीर मैडम नूरजहाँ वाली चीज़ें, तो भी मैं तो मनमाने के देख रही थी, मैंने मुझे मजाक करना ही नहीं है, मुझे चिड़ हो गई मजाक से, मैं इतनी ह्यूमिलिएट हुई, इतनी हर्ट हुई। वो मैंने किया तो एकदम से बम फटा उस वक्त। तो मैं कहने की बात यह है कि रवैये जो है ना हमारे, हम बांट देते हैं कि आपने फवाद खान को जो वैल्यू देनी क्योंकि वो सीरियस काम करते हैं, वो आपने शायद किसी कॉमेडियन को नहीं देनी क्योंकि आप कहते हैं तो हंसी मजाक करता है, वो बहुत मुश्किल काम है। या मानुल्ला या सुरेल अहमद ये लोग कुछ करते हैं आम लोग नहीं कर सकते, मतलब चले थोड़ी बहुत मैं भी इसमें शामिल हूँ।